Hey, hello everyone, welcome back. मैं नाम है अर्पित, आप देख रहे हैं स्टूडेंट यार, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं इंडिया बेस्ट स्टेशनरी कंटेंट। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं ओहू की तरफ से आने वाले कुछ अल्कोहल बेस्ड मार्कर्स। तो काफी हाई क्वालिटी मार्कर सेट है ये, इस टाइप की काफी अच्छी पैकिंग में आते हैं। आज इनको डिटेल में हम रिव्यू करने वाले हैं एंड आपको बताएंगे इनकी प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है एंड क्या ये जो वाटर बेस्ड मार्कर्स होते हैं उनसे बेटर है या उतने अच्छे नहीं है। तो गाइस, डिटेल में रिव्यू होने वाला है, तो स्टार्ट कर लेते हैं इनकी अनबॉक्सिंग से। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास इस टाइप की पैकिंग में हमको ये ओहू के मार्कर्स मिलते हैं। अब ये वाला जो सेट है स्पेसिफिकली ये 24 मार्कर्स का सेट है, मैं इसको ओपन करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे एक हाई क्वालिटी बैग है हमारे पास एंड यहाँ पे एक जिपर है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ एंड अंदर आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप के काफ़ी क्यूट से मार्कर हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे कलर्स आप देख पा रहे हैं, ये 24 शेड्स का पैक है। ये आपको काफ़ी सारे पैक में मिलता है, 24, 48, 60, even 162 का भी मैंने एक सेट देखा था। तो ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग प्राइस रेंज में आपको अलग अलग कलेक्शन देखने को मिल जाता है। ये लास्ट में आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कि किस सेट का कितना प्राइस है। तो अभी ये वाला जो सेट आप देख रहे हैं इसमें मेरे पास यहाँ पे 24 शेड्स हैं एंड साथ में एक मेरे पास कलरलेस मार्कर भी है फॉर ब्लेंडिंग वगैरह, वो मैं बताऊंगा क्या है। तो ये जो मार्कर्स हैं इनको हम अनबॉक्स करते हैं। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे एक मैंने कलर लिया तो कुछ उस टाइप की इनकी बिल्ड क्वालिटी आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ इस टाइप के मार्कर्स दिखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो मेटालिक फॉन्ट में, बेसिकली मेटालिक शीट में यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है ओहू, यहाँ पे लिखा है आर्ट मार्कर्स। अब ये डुअल टिप में आते हैं, डुअल टिप कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ, इसको हटाते हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीजल टिप मिलेगा। चीजल टिप क्या होता है, तो चीजल टिप आप देखेंगे तो इस टाइप का कट में आपको एक टिप मिलता है एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके पीछे तो यहाँ पे आपको मिलता है एक ब्रश टिप। तो गाइस दिस इज ग्रेट, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक ब्रश टिप। तो यहाँ पे ये दो टिप साथ आता है डुअल टिप, अब आपको जैसा भी यूज करना है आपके कन्वेंस के हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो टिप है एंड साथ में ये जो कैप है ये रिप्लेसेबल है, मतलब अगर आप इसको इधर भी लगा सकते हैं, मतलब आप किसी भी कैप को किसी भी साइड लगा पाएंगे तो यू डोंट हैव टू वरी कि भाई ये यहीं लगाना है, दोनों साइड इंटरचेंजेबल हैं कैप्स, मैं यहाँ करके बता देता हूँ आपको। तो ये काफ़ी अच्छी एक मुझे चीज़ लगी यहाँ पे, काफ़ी ये अच्छे लगे मुझे। साथ ही साथ यहाँ पे जो आप ब्रश टिप देखते हैं इसकी, अगर ये फ्रे हो जाती है, मतलब अगर ये टूट जाती है बेसिकली, तो आप उसको निकाल के रिवर्स भी कर सकते हैं, ऐसा इसकी पैकिंग में बताया गया है और मैं इसको भी आपको दिखाने वाला हूँ ओपन करके। तो ये आ गए हैं हमारे पास बाकी के मार्कर्स, मैं सारे निकाल लेता हूँ एंड देखते हैं हमारे पास क्या क्या है इस पैक के अंदर। तो ये सारे मार्कर्स आ गए हैं, काफ़ी सारे मार्कर्स हैं, 24 हैं, तो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं एंड इनकी जो क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी होल्ड करने में एंड मैं सारे निकाल देता हूँ इकट्ठे। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारे मार्कर्स आ गए हैं, ये 24 शीट्स आते हैं इसमें, ठीक है। अभी कौन से शीट्स हैं ये, यहाँ पे हमको और भी कुछ दिया है पैकेट में, पैकेट में आपको देखने को मिलती है एक मैनुअल, यूज़र मैनुअल, इसमें डिटेल्स वगैरह कुछ हैं, इसको साइड में रखते हैं एंड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एक चार्ट जिसमें सारे कलर्स के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे आप चाहें तो इन कलर से शेड कर सकते हैं, जिससे कभी भी आपको कलर फाइंड करना हो तो आप ये पैलेट देख के फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसको रख देते साइड में। लास्ट में हमको देखने को मिलता है इस पैकेट के अंदर कुछ इस टाइप की एक प्लास्टिक का कवर, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे इफ़ यू आर कलरिंग ऑन थिन पेपर पुट दिस पैड बिटवीन द कलरिंग शीट्स। तो डेफिनेटली गाइस ये जो हमारे पास अल्कोहल बेस्ड मार्कर्स होते हैं अभी क्या होते हैं मैं समझाने वाला हूँ आपको, उस वो थोड़े से ब्लीड करते हैं तो यहाँ पे ये काम आने वाली है, अभी आगे आपको समझ में आएगा कैसा है, बने रही है हमारे साथ। इसको रखते हैं साइड में। तो ये रहे हमारे मार्कर्स, अब बात कर लेते हैं गाइस इनकी बिल्ड क्वालिटी की, कैसा इनका बिल्ड वगैरह है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं आपको मार्कर दिखाता हूँ, कुछ इस टाइप के मार्कर दिखते हैं, आपने ये तो देख लिया, ये डुअल टिप में आते हैं, है ना। यहाँ पे आपको मेटालिक कैरेक्टर्स में प्रिंट मिल जाता है, आपको मिलता है एक यहाँ पे जेजल टिप, एक आपको यहाँ पे मिलता है ब्रश टिप, ठीक है। साथ ही साथ ही इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है, ये बिल्कुल गोल हो गए, सिलेंड्रिकल शेप में आते हैं, तो अगर आपका एक भी कैप यहाँ पे लगा हुआ है तो साइड में आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक छोटा सा सेक्शन मिलता है, आप यहाँ देख सकते हैं, जिससे ये रोल ना हो, ठीक है। दोनों कैप में आपको मिलता है तो मेक श्योर दोनों कैप साथ में, मुझे नहीं लगता दोनों कैप साथ में कोई खोलेगा, क्योंकि अगर साथ में ओपन है तो देन ये रोल हो जाएगा, बट आई गेस एक कैप तो हमेशा बंद रहेगा तो इसलिए पैसा नहीं होगा। आप यहाँ देख सकते हैं इस टाइप से ये दिया गया है, तो दैट्स ग्रेट, इस टाइप की हमको क्वालिटी मिलती है। ये 24 शेड्स हैं। अब यहाँ पे जो मुझे एक रैंडम चीज़ लगी है वो ये है कि यहाँ पे जो आप शेड देख रहे हैं, मतलब ये 24 शेड्स हैं, ये बहुत ही मतलब ना रैंडम कॉम्बिनेशन है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मुझे रेड चाहिए, स्पेसिफिकली रेड, तो यहाँ पे एग्जैक्ट रेड आपको नहीं मिलेगा, मतलब रेड के काफ़ी सारे टोन मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है तो दिस इज़ सम अदर कलर, यहाँ पे आप देख पाएंगे, देन यहाँ पे आप देखेंगे तो दिस इज़ चेरी पिंक, तो
बेसिकली रेड से मिलते जुलते कलर हैं, बट स्पेसिफिक कलर यहाँ पे वो नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको जब भी आप ये परचेस करें तो वहाँ पे आपको चेक कर लेना है डिस्क्रिप्शन में कि कौन कौन से कलर्स हैं एंड क्या वो आपको चलेंगे। हाँ, बाकी अगर आप रैंडम यूज़ करने वाले इन प्रोजेक्ट्स वगैरह तो फिर कोई इशू ही नहीं है ना। तो यहाँ पे 24 के पैक में एक जो मुझे चीज़ लगी वो ये थी कि शेड्स काफ़ी अच्छे हैं, बट यहाँ पे कुछ कलर इंपॉर्टेंट कलर मिसिंग थे। तो वहाँ पे यू कैन गो विथ 24 की जगह 48 वाला जो पैकेट है उसको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा बेटर शेड्स मुझे दिख रहे थे। तो गाइस ये तो बात हो गई इनकी बिल्ड क्वालिटी की। अब सवाल उठता है कि ये अल्कोहल मार्कर्स क्या चीज़ होती है, अल्कोहल कैसे रिलेटेड है इन सबसे। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, कोई भी जो मार्कर होता है उसमें एक सॉल्वेंट लगता है, देन उसके ऊपर लगता है बेसिकली कलरिंग पिगमेंट या फिर डाई, है ना। तो जो नॉर्मल हमारे पास मार्कर्स आते हैं उनमें सॉल्वेंट पानी होता है, यानी कि वाटर होता है, उसमें पिगमेंट्स होते हैं या फिर डाई होती है जिससे आप उसे कलर कर पाते हैं। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल मार्कर्स आते हैं इनमें जो सॉल्वेंट होता है वो यहाँ पे अल्कोहल होता है, जैसा नाम सजेस्ट करता है, एंड देन उसमें यहाँ पे डाई मिक्स्ड होती है। तो इस टाइप से ये हमारे बनते हैं। पिगमेंट भी कुछ में मिक्स होता है, बट पिगमेंट अल्कोहल मार्कर्स काफी कम होते हैं, यहाँ पे डाई बेस्ड अल्कोहल मार्कर्स ज्यादा होते हैं। तो इस टाइप का दिन आपको मार्कर देखने को मिलता है। तो बेसिकली अंतर बस यही है कि यहाँ पे सॉल्वेंट अल्कोहल यूज होता है। अब सवाल उठता है कि क्यों यूज होता है अल्कोहल, पानी में क्या कमी होती है। तो देखिए इनके अपने प्रोज होते हैं, अपने कॉन्स होते हैं, जो हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अल्कोहल मार्कर्स के प्रोज क्या होते हैं। तो जैसे जैसे हम जानते हैं इनके प्रोस के बारे में, मैं इनको यूज़ करके भी आपको बताता जाऊंगा, जिससे आप समझ पाए कि क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मार्कर आ गया है, एंड दिस इज चेरी पिंक। यहाँ पे जिनकी कोडिंग है R5, यहाँ पे सब अलग अलग नंबर्स हैं, इसको आई हैव टू करेक्ट कि भाई क्या पैटर्न ये फॉलो करती है। तो दिस इज चेरी पिंक, है ना। अगर किसी को पता हो तो डिस्क्रिप्शन मुझे लिख के ज़रूर बताएं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ब्रश टिप ले लिया है। तो जैसे कि नाम सर्च करता है अल्कोहल मार्कर्स, इनमें सॉल्वेंट अल्कोहल है, तो उसका फायदा ये होता है गाइस कि अल्कोहल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, जल्दी उड़ता है, तो ये बहुत ही क्विक ड्राइंग होते हैं। जैसे इससे यहाँ पे मैं कुछ शेड करता हूं तो आप देख पा रहे होंगे कि काफी क्विक ड्राइंग है। आप यहां देखेंगे मैंने ये यहां पे शेड किया है, एंड अगर मैं इसको हाथ भी फेरता हूं उसके ऊपर तो ये स्मज बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बहुत ही ज्यादा जल्दी ये क्विक ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि अगेन अल्कोहल है तो काफी जल्दी ड्राई होते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। आप देखेंगे साथ में कलर भी काफी वाइब्रेंट यहां पे दिख रहा है। मैं यहां पे एक दूसरा कलर लेता हूं, इस रेड को हटाते हैं, देन यहां पे मैं लेके देख लेता हूं ब्लू कलर यहां पे हमारे पास है। तो यहां पे आप देख सकते हैं आई हैव ब्लू। आगे इसको ओपन करता हूं, इससे मैं बेसिकली करके देखता हूं शेड ऐसा ही चलता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ ये चल रहा है बेसिकली, है ना, काफ़ी अच्छे से चल रहा है, काफ़ी वाइब्रेंट लग रहा है। इसका ब्लू भी अगेन काफ़ी क्विक ड्राइंग है, बहुत ही अच्छा फील आ रहा है, है ना। दूसरा कलर मैं लेता हूँ, यहाँ पे ब्लेंड करके देखते हैं इनको कि कैसा है परफॉर्म करते हैं। तो इनको यहाँ ब्लेंड करने के लिए मैंने दो सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं इस टाइप के दो सर्कल। इनको मैं फिल करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अगेन मेरा जो चेरी रेड है वो ले लेता हूँ। तो यहाँ पे चिजल टिप आप देख सकते हैं इसका है, तो ये भी आपको पता लग जाएगा कि भाई कैसा चलता है। तो काफ़ी अच्छे से इसको आप भर सकते हैं। ओके, ये मैंने फिल कर दिया है इसको, एंड देन जो एजेस हैं उनके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ क्या यहाँ पे ब्रश टिप जो मेरे पास है, तो उसे ईजिली मैं इनको राउंड कर पाऊँगा। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कॉर्नर्स में ये जो टिप है हमारे पास ब्रश टिप, इसको यूज़ करना काफ़ी मुझे अच्छा लगता है, एंड काफ़ी कंफर्टेबली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जिसका ब्रश टिप है ये भी काफ़ी अच्छा है, है ना, काफ़ी मुझे बेसिकली ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है। ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे रेड कलर, सॉरी चेरी रेड, चेरी पिंक, इसको मैं रख देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ हमारा दूसरा शेड विच इज़ अगेन ब्लू। ब्लू का भी कोई सा शेड है, तो यहाँ पे मैं इसको शेड करता हूँ। तो अगेन आप देख सकते हैं मैं दोनों कलर के इंटरसेक्शन पे शेड कर रहा हूँ, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसा ये दोनों परफॉर्म कर रहे हैं एंड कैसा ये शेड होता है इनका। तो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं कि शेडिंग कंप्लीट हो गई है, एंड आपको देखने को यहाँ मिल रहा है कि कितना क्लियर बेसिकली डिस्टिंक्ट लाइंस आप यहाँ देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास हमारा चेरी पिंक है, एंड यहाँ पे हमारा ब्लू है, एंड आप देखेंगे कि काफ़ी क्लियर यहाँ पे जो ब्लेंडेड एरिया है बीच में, हम देखेंगे जो मिक्सड एरिया है वो बिल्कुल अलग है, एंड यहाँ पे कहीं भी ये फैला नहीं है। यहाँ पे क्लियर ब्लू है, बिल्कुल ब्लू लगेगा, आपको कोई भी रेड टिंट नहीं दिखेगा, एंड रेड में किसी भी टाइप का आपको ब्लू टिंट देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहीं पे अगर मैं आपको एक और दिखाऊं तो जो हमारे ब्रश पेंस थे, आपको ये याद होगा हमने इस टाइप के शेड किया था, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डॉम्स के ब्रश पेन, कैमलिन के ब्रश पेन हमने वीडियो बनाया था, हमने शेड करके दिखाया था रेड एंड ग्रीन। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आ जाते हैं। तो देखिए अब ये बात ये अच्छे हैं कि ये अच्छे हैं,
ये डिपेंड करता है आपकी यूजेज पे, ये दोनों ही अच्छी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे डॉम्स काफ़ी बढ़िया ब्लेंड हुआ था, ठीक है, ये वाटर बेस्ड होते हैं एंड यहाँ पे आप देखेंगे ये अल्कोहल बेस्ड है, तो मिक्स नहीं हो रहे थे अच्छे से। तो दोनों में अच्छा कौन सा आएगा गाइस, ये डिपेंड करता है टोटली आपकी यूजेज पे। अगर मुझे कोई ऐसी ड्राइंग चाहिए कि जिसमें मैं नहीं चाहता कि कलर मिक्स हो एंड प्रॉपरली दिखे, देन ये बहुत अच्छे हो जाते हैं। बट इफ़ आई वॉन्ट कि भाई एक लीनियर शेड आना चाहिए, तो फिर मेरे पास यहाँ पे वाटर बेस्ड जो हमारे मार्कर्स होते हैं वो थोड़े से बेटर हो जाते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द यूजेज। बाकी आप देखेंगे तो काफ़ी वाइब्रेंट कलर है एंड काफ़ी क्लियर यहाँ पे मुझे लाइंस लगी। तो ये तो जाने हमने दो मेन पॉइंट किए, क्विक ड्राई होते हैं एंड यहाँ पे हमको बेसिकली कलर ब्लेंड कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। जो थर्ड पॉइंट है गाइस वो है वैरायटी। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि हमको कितनी इनकी वैरायटी देखने को मिल जाती है। ये तो 24 ही शेड्स हैं, आपको इवन 162 या 150 या कई बार तो मैंने देखा 300 के पैक में भी ये शेड्स मिलते हैं। तो इतनी जो बड़ी वैरायटी आ पाती है यहाँ पे अल्कोहल मार्कर्स में पॉसिबल हो पाती है। तो अगेन द थर्ड बिगेस्ट प्रो इज द वैरायटी ऑफ ऑप्शन विच यू आर गेटिंग। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ओहू की बात करूँ तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आए। थोड़े से कॉस्टली भी है, प्राइस की बात एंड में करने वाले हैं, बट अगेन ओवरऑल जो इनकी क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे मिला है, ये मुझे काफी अच्छा लगा एंड कलर यूज करते टाइम मुझे काफी अच्छा लगा। काफी क्लियरली ये काम करते हैं जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई प्रोस की, अब कुछ कॉन्स भी होंगे यहाँ पे जो हमें समझना पड़ेंगे। सब कुछ तो अच्छा नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली गाइज जो एल्कोहल बेस्ड मार्कर्स होते हैं उनके कुछ जनरल कॉन्स भी होते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सबसे बड़ा एंड सबसे मेजर कॉन है वो है इसका इंक ब्लीड। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे जो ड्राइंग बनाई है बेसिकली छोटा सा हमने शेड करके देखा है वो यहाँ पे हमने किया। ये जो नोटबुक है ये 80 GSM पेपर कंटेन करती है, 80 GSM का पेपर है। तो यहाँ पे अगर मैं पीछे पलटता हूँ तो देखिए तो आपको यहाँ पे भी ये डिज़ाइन दिख जाएगा। मतलब ब्लीड तो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब पूरा एज इट इज़ आप पीछे देख सकते हैं ब्लीड हुआ है एंड पीछे होने के ऐसा लग रहा है यहीं ड्रॉ किया है, बट एक्चुअली ये यहाँ पे किया है और इस पर भी आया है ये फर्स्ट पेज एंड इसके बाद भी आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हल्के मार्क आए। तो ओवरऑल 3 पेजेस यहाँ पे मेरे गए हैं। तो ओवरऑल सबसे जो मेजर पॉइंट है अल्कोहल बेस्ड मार्कर्स का कि जो अल्कोहल है वो सीप इन हो जाता है अच्छे से, तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा ब्लीड करते हैं। तो इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज़ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेपर। यहाँ पे आपको थिक पेपर, थोड़ी अच्छी क्वालिटी का पेपर यूज़ करना पड़ेगा जिससे आप इनको बिना ब्लीड के यूज़ कर पाएँ। अगर इनके ब्लीडिंग को हम कंपेयर करें वाटर बेस्ड मार्कर से, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारे ब्रश पेन थे वाटर बेस्ड होते हैं, पीछे अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं आया है ना। ये काफ़ी थिक ड्राइंग शीट है, आप देख सकते हैं कैंसन की तरफ से आती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, मुझे लगभग ये 200 GSM प्लस लग रही है। बट पीछे आप यहाँ देखेंगे तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे डूडल कर रहा था मैं यहाँ पे इन पेन से, तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ डूडलिंग मैंने यहाँ पे की थी अल्कोहल मार्कर से। एंड अगर मैं पीछे दिखाऊँ आपको तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये भी हल्का हल्का यहाँ पे ब्लीड हो गया है। मतलब ब्लीड तो नहीं, सी थ्रू मैं कहूँगा, सी थ्रू मुझे इस पे भी देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कितनी थिक शीट है ये, है ना। तो अगेन गाइज यहाँ पे यू हैव टू यूज़ वेरी स्पेसिफिक शीट्स। अल्कोहल बेस्ड मार्कर के लिए जो शीट आती है वो आपको यहाँ यूज़ करनी पड़ेगी। एंड अगर आप फिर भी नॉर्मल पेपर पर यूज़ करना चाहते हैं तो इसके साथ ये जो चीज़ आई है इसको हम यूज़ करके देखते हैं। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ एंड देखते हैं कि यही डेफिनेटली ये प्लास्टिक है तो ब्लीड रोक लेगा। तो मैं यहाँ पे कोई कलर लेता हूँ एंड उससे यूज़ करके देखता हूँ उसे। तो यहाँ पे मैंने येलो मार्कर ले लिया एंड उसको यूज़ करता हूँ। तो चिजल टिप्स का पहले मैं यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे अच्छी बात है कि 3 कलर मिक्स होते हुए भी हमको दिख जाएंगे काफ़ी अच्छे से। तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस टाइप से ये मिक्स हो गया है। ओके तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यूज़ किया येलो मार्कर्स एंड आप काफ़ी क्लियरली देख पाएंगे कि कितना क्लियर ये मिक्स हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू एंड येलो ने मिलके काफ़ी प्यारा ग्रीन बनाया है। तो इनकी जो बेसिकली हमने इनको मिक्स किया हुआ है तो जो ये ब्लेंड हो रहे हैं एंड जो कलर है वो काफ़ी क्लीन बन रहा है। मतलब वाटर बेस में इतना क्लीन नहीं बनता है। ब्लू एंड येलो काफ़ी क्लियर आपको यहाँ पे येलो दिखेगा, साथ ही साथ चेरी पिंक एंड येलो का कॉम्बिनेशन आप ये देख सकते हैं। तो टोटल 3 कलर से यहाँ पे हमने 6 कलर बीच में बना लिए, 3 ये एंड 3 बीच में, काफ़ी क्लियर है। देखते हैं ब्लीड वाले ने काम किया है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं डेफिनेटली यहाँ कोई ब्लीड नहीं आया एंड यहाँ पे आपको शीट पे थोड़ा सा कलर देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली इफ यू आर यूजिंग थिन शीट्स देन आई विल रिकमेंड यूजिंग दिस प्लास्टिक पेपर। दूसरा जो सबसे बड़ा इनका मेन कॉन होता है वो होता है गाइस इनकी स्मेल। अब देखिए क्योंकि ये अल्कोहल बेस्ड है तो जैसे ही आप इनको यूज करते हैं स्मेल अल्कोहल वेपराइज होता ही होता है एंड स्मेल सडनली आपके नाक में हिट करती है। तो जैसे आप इनको यूज करते हैं तो स्मेल तुरंत आती है यूज करने के बाद। ओके यूज़ करने के बाद हल्की सी स्मेली है, मैंने भी टेस्ट करके बताया आपको, हल्का सा स्मेल आता है बट इतना नहीं। यूज़ होने के बाद बहुत जल्दी, मतलब जैसे आप इसको समझ सकते हैं आपने हैंड सैनिटाइज़र यूज़ किया होगा तो डेफिनेटली सिमिलर उसकी स्मेल होती है। जैसे हैंड सैनिटाइज़र अप्लाई करते हैं तो ऐसा स्मेल आता है देन वो चला जाता है। सेम गोज़ ऑन विद दीज मार्कर्स। तो स्मेल का प्रॉब्लम है उसकी वजह से मैं जो छोटे बच्चे हैं उनको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। बाकी अगेन अगर आप स्मेल के फैक्टर को थोड़ा सा हटा देते हैं बाकी यहाँ पे इशू नहीं है।
तीसरा जिनका का कौन होता है गाइज, अगेन क्योंकि अल्कोहल बेस्ड है तो आपको पता है नॉर्मल इंक के ऊपर अगर आप अल्कोहल लगाते हैं तो वो इजीली इरेज हो जाती है ना। मैं काफ़ी बार मेरे यहाँ पे अगर डेस्क पे गिर जाती है इंक तो मैं सैनिटाइजर का यूज़ करके उसको रिमूव कर देता हूँ, वाटर से इजीली नहीं निकलते। तो अगेन सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ कुछ लाइंस मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे मैंने कुछ लाइन ड्रॉ कर लिए विद डिफरेंट पेन्स, आप यहाँ देख सकते हैं रोलर बॉल भी मैंने यहाँ यूज़ किया है एंड यहाँ पे मैंने एक थिक पेन भी यूज़ किया है। तो यहाँ पे अगर मैं इनके ऊपर बेसिकली कोई सा शेड यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल लाइट कलर यूज़ करके बताता हूँ, तो आप यहाँ देख पाएंगे कि ये बेसिकली इंक जो है, ये जो टेक्स्चर है वो आपको एग्जैक्टली येलो नहीं दिखेगा, ये थोड़ा थोड़ा सा इंक निकल जाता है। अगेन रीज़न वही है क्योंकि अल्कोहल बेस्ड होते हैं तो जो हमारी नॉर्मल इंक होती है उनको थोड़ा सा ये निकाल देते हैं, ज़्यादा यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं है बट यहाँ पे बहुत मिनिमल सा आपको देखने को मिलता है कि ये जो इंक है वो यहाँ पे आपको देखिए थोड़ी थोड़ी स्मियरिंग देखने को मिल जाती है। अगेन ब्लीच तो ये हो ही गए होंगे, ओके हो गए, तो यहाँ पे आपको स्मियरिंग देखने को मिलती है जो हमारे नॉर्मल पेन होते हैं उनके ऊपर। तो अगर बेसिकली आप फाइन लाइनर वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं तो उनके ऊपर यहाँ पे आपको थोड़ी स्मियरिंग देखने को मिल सकती है। तो गाइस अब एडन बात कर लेते हैं इनके प्राइसेस की। तो यहाँ पे ये जो मैंने सेट लिया है ये 24 मार्कस का सेट था, इस टाइप का आप देख सकते हैं जो पैक था, तो ये मुझे पड़ा था ₹4.1299, मतलब 1300-1300 रुपये का मुझे सेट पड़ा था। तो डेफिनेटली ये थोड़ा कॉस्टली साइड पे है। मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा वो कर सकता हूँ, एक तो इसमें आपको जनरल कलर्स तो मिल ही जाते हैं, तो अगर आप रैंडम ड्राइंग करते हैं स्पेसिफिक कलर्स नहीं चाहिए तो आप एक बार देख लीजिए कि इसके पैलेट में कौन कौन से कलर अवेलेबल है, एंड अगर आपको सुटेबल लगता है तो 24 के साथ आप जा सकते हैं। देन मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ उसका 48 शेड वाला जो है वो आप लीजिए, क्योंकि उसमें थोड़े से जो हमारे कॉमन कलर्स होते हैं वो भी ज़्यादा अवेलेबल है, तो थोड़ा सा डेफिनेटली कॉस्टली पड़ेगा, बट मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि आई शुड हैव ऑर्डर्ड द 48 वाला वर्जन, तो वहाँ पे आप वो वाला ले सकते हैं। इसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, इसके ऊपर आपको 70 में भी, 60 में भी, 168 मार्क्स का भी सेट आता है फॉर 7000 रुपीज़, डिपेंडिंग ऑन योर नीड अब आप वो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो मुझे मेरी जो पिक रहेगी वो रहेगी द 12 पीस का शीट अगर आपको सुटेबल है, नहीं तो 24 का जो सेट है वुड बी माय पिक। एक पॉइंट और मैं जो चाहता हूँ वो आप याद रखें वो ये है कि अगर आप इसको कहीं से ऑनलाइन बाय करते हैं तो ध्यान रखिए ये वाला जो वर्जन मैंने आपको दिखाया यहाँ पे आपको एक साइड ब्रॉड निब मिलती है एंड एक साइड ब्रश निब मिलती है ना, ध्यान रखिए ब्रश इज द वर्ड है ना। इसके पहले कुछ ऐसे सेट भी आते थे जो आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाएंगे, दिखने में तो सेम लगते हैं बट यहाँ पे उनमें यहाँ पे आपको ब्रश टिप देखने को नहीं मिलती है, वो एक फेल्ट टिप होती है, मतलब नॉर्मल हार्ड टिप होती है, तो वो मैं कहूँगा आप ना लें, आप ब्रश टिप वाले ही लें। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 48 मार्कर्स का सेट है विच इज अवेलेबल फॉर 1199, मतलब 1200 रुपये में 48 मिल रहा है। तो आप सोचेंगे यार कि 1300 रुपये में या 24 है एंड यहाँ पे 48 आपको 1300 में 1200 रुपये में, बट गाइस अगेन ध्यान रखिए यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो टिप आपको दिया गया है वो आपको यहाँ पे फाइन पॉइंट टाइप का टिप मिल रहा है, यहाँ पे ये ब्रश टिप नहीं है, है ना। तो इसका विशेष ध्यान रखिए आप ब्रश टिप वाले के साथ ही जाए यहाँ पे। तो गाइस ये था हमारा रिव्यू ऑन द ओहू अल्कोहल बेस्ड मार्कर्स। आई गेस आपने इस वीडियो से काफ़ी सारा कुछ सीखा होगा अबाउट अल्कोहल मार्कर्स एंड एज वेल एज अबाउट ओहू, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। मैं आगे काफ़ी सारे वीडियो इनको कवर करके लाने वाला हूं, साथ में एक डिटेल कंपैरिजन भी बताऊंगा जिसमें मैं वाटर बेस्ड मार्कर्स एंड अल्कोहल बेस्ड मार्कर्स में सारे डिफरेंस आपको क्रॉस कंपैरिजन करते हुए बताऊंगा। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि करेक्शन पेन एंड एक करेक्शन टेप में बेटर ऑप्शन आपके लिए क्या है तो आप ये ऊपर वाला वीडियो देख सकते हैं, एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि एक स्कॉच टेप एंड नॉर्मल टेप में बेटर ऑप्शन क्या है तो नीचे वाला वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पर ऐसे काफी सारे स्टेशनरी के वीडियोस अवेलेबल हैं, तो मेक श्योर चैनल पर जाके उनको आप चेकआउट जरूर करें, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। मैं आपको मिलने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय।